सड़क एनएच को लेकर कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही है? एनएच को लेकर के ठोस पहल की जा रही है क्या? इनमें जो अतिक्रमण के कारण जो अलकतरा का दुश्मन पानी कहा जाता है, जो रोड पर जाम उस जिसके कारण की रोड टूट रहा है, जो लोगों ने घर बना लिया है उनपे पहले अतिक्रमण हटा करके रोड को बनवाया जाएगा। कुछ कॉन्ट्रेक्टर जो है काम कर रहे हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्टर इसी को लेकर के भाग रहे हैं। अभी क्योंकि बरसा बाढ़ का अब सीजन आ गया, इस समय हम जनता को पहले भगा दें कि उनको संरक्षण दें। इसीलिए जनता अभी जैसे बाढ़ खत्म होगा फिर 90 दिन जिस तरह था रोड में कोई ट्रैफिक नहीं जाम था, रोड बना हुआ था, रोड टूटा है इसी बात नहीं। आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए कि इस रोड की स्थिति, जिस समय मैं चुनाव जीता मैंने रोड बनवाया और रोड बना तो टूटना और बनना तो लगा हुआ है, तो दोनों कारण तो आपको बता ही रहे हैं। कुछ हमारे क्षेत्र के लोगों की कमी है जो जनता पानी हरा करके रोड पर रोड से उतार कर बाईपास पर भी सर 230 करोड़ खर्च हुआ, खेत बन चुका है वो, फिर दुरुस्तीकरण हुआ है टोल टैक्स रोड पर, उन पर कार्रवाई स्टार्ट कर दिया गया है, विभागीय कार्रवाई बाईपास पर शुरू कर दिया गया और कार्रवाई होगी उन पर, और जितना भी वो टूटेगा उनको बनाना उनकी मजबूरी है। रोड बन रहा है, आप तो समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। बालू का लोड लोडेड गाड़ी बालू भी चलाना जरूरी है, बालू पर जब पानी का लोडेड गाड़ी पानी भरा हुआ बालू से ट्रक आता है वहाँ रुकता है, वो पानी एनएच पर ही टूटता है, जमा होता है और इसके कारण रोड टूटता है। आप लोग जानते हैं अलकतरा का दुश्मन।